हाँ, मुझे भी अभी मालूम हुआ है कि एके ट्रेवल्स करके एक बस जो है साधु पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और इसमें 6 लोग जो हैं वो घायल हैं और उनको उपचार के लिए जो है IGMC भेजा जा रहा है। मेरी मेडिकल कॉलेज मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ बात हो गई है और मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि घायलों के उपचार की व्यवस्था जो है वो तुरंत होनी चाहिए। मैं इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त करता हूँ और मृतकों के परिवार के प्रति भी अपनी संवेदनाएं मैं प्रकट करना चाहता हूँ। हम दुख की घड़ी में मृतक परिवारों के साथ हैं। मुझे भी अभी मालूम हुआ है कि एके ट्रेवल्स करके एक बस जो है साधु पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और इसमें 6 लोग जो हैं वो घायल हैं और उनको उपचार के लिए जो है IGMC भेजा जा रहा है। मेरी मेडिकल कॉलेज मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ बात हो गई है और मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि घायलों के उपचार की व्यवस्था जो है वो तुरंत होनी चाहिए। मैं इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त करता हूँ और मृतकों के परिवार के प्रति भी अपनी संवेदनाएं मैं प्रकट करना चाहता हूँ। हम दुख की घड़ी में मृतक परिवारों के साथ हैं। मुझे भी अभी मालूम हुआ है कि एके ट्रेवल्स करके एक बस जो है साधु पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और इसमें 6 लोग जो हैं वो घायल हैं और उनको उपचार के लिए जो है IGMC भेजा जा रहा है। मेरी मेडिकल कॉलेज मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ बात हो गई है और मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि घायलों के उपचार की व्यवस्था जो है वो तुरंत होनी चाहिए। मैं इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त करता हूँ और मृतकों के परिवार के प्रति भी अपनी संवेदनाएँ मैं प्रकट करना चाहता हूँ। हम दुख की घड़ी में मृतक परिवारों के साथ हैं। मुझे भी अभी मालूम हुआ है कि एके ट्रेवल्स करके एक बस जो है साधु पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और इसमें 6 लोग जो हैं वो घायल हैं और उनको उपचार के लिए जो है IGMC भेजा जा रहा है। मेरी मेडिकल कॉलेज मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ बात हो गई है और मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि घायलों के उपचार की व्यवस्था जो है वो तुरंत होनी चाहिए। मैं इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त करता हूँ और मृतकों के परिवार के प्रति भी अपनी संवेदनाएं मैं प्रकट करना चाहता हूँ। हम दुख की घड़ी में मृतक परिवारों के साथ हैं। मुझे भी अभी मालूम हुआ है कि एके ट्रेवल्स करके एक बस जो है साधु पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और इसमें 6 लोग जो हैं वो घायल हैं और उनको उपचार के लिए जो है IGMC भेजा जा रहा है। मेरी मेडिकल कॉलेज मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ बात हो गई है और मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि घायलों के उपचार की व्यवस्था जो है वो तुरंत होनी चाहिए। मैं इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त करता हूँ और मृतकों के परिवार के प्रति भी अपनी संवेदनाएं मैं प्रकट करना चाहता हूँ। हम दुख की घड़ी में मृतक परिवारों के साथ हैं।